नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में ही बिगड़ी तबीयत, सीबीआई ऑफिसरों के उड़े होश। अरविंद केजरीवाल के रिजवान इंटरवेट कोर्ट में अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिससे वहां मौजूद सीबीआई अधिकारियों के होश उड़ गए। पता चला कि सीएम केजरीवाल को शुगर लेवल काफी कम हो गया था, जिसके बाद तुरंत उन्हें दूसरे रूम में ले जाया गया। दरअसल सीबीआई ने बुधवार सुबह सीएम केजरीवाल को राउज इन कोर्ट में न्यायाधीश अमिताभ राव के सामने पेश किया था। सीबीआई ने कोर्ट से सीएम केजरीवाल के न्यायिक हिरासत की मांग की, जिसकी अदालत ने मंजूरी कर ली। इस दौरान केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश हुआ था। उन्होंने इस गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कई दाखिले भी दी, लेकिन कोर्ट ने उनकी एक नहीं चलने दी। इस बीच सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी उनसे मिलने के लिए राउज एट कोर्ट में पहुंची थी। सीबीआई ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए जरूरी कागजातों की कार्रवाई की, तभी सीएम केजरीवाल की अचानक तबीयत बिगड़ गई, फिर अफरा तफरी में उन्हें दूसरे कमरे में ले जाया गया। बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़ी मनी ड्रिंक मामले में जमानत दी थी, जिसे आईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। इसके बाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर सवाल उठाते जमानत रद्द कर दी। सीएम केजरीवाल की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई होने से पहले ही हालात हाईकोर्ट के कल के आदेश के बाद उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली है। केजरीवाल की ओर से पेश सीनियर वकील अभिषेक सिघावी ने बेचने से कहा, क्योंकि हाईकोर्ट ने 25 जून को विरासत आदेश पारित किया था और ठोस अपील दायर करने की कहा। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर केजरीवाल को लेकर आई है। वीडियो को लाइक शेयर करना, कमेंट में आपकी राय जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।